हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस यूं बोलने पड़ते हैं जैसे, ज़्यादा होशियार मत बनो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा होशियार क्यों बन रहे हो। जिन वाक्यों में हमें बोलना होता है ज़्यादा होशियार बनना, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है टू एक्ट ओवर स्मार्ट। इसका मतलब होता है ज़्यादा होशियार बनना या फिर ज़्यादा सयाने बनना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर एक्ट ओवर स्मार्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो एक्ट है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अगर कोई अदर वर्ड्स बचते हैं तो उन्हें लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, ज़्यादा होशियार क्यों बन रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट, व्हाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट। अगला एग्जांपल, ज़्यादा होशियार मत बनो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। अगला एग्जांपल, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। अगला एग्जांपल, ओ उस दिन ज़्यादा होशियार बन रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन डैट डे, ही वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन डैट डे। हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जो बोलने पड़ते हैं जैसे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, उसने पढ़ाई नहीं करने का प्रायश्चित किया। तो जिन वाक्यों में हमें बोलना होता है प्रायश्चित करना, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है अटोन फॉर। इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। इसका यूज उस सिचुएशन में किया जाता है, मान लीजिए आपने कोई काम किया और वह काम आपको नहीं करना चाहिए था, बाद में आपको लगता है कि उस काम के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए, तो इस कंडीशन में अटोन फॉर का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने उस काम को कर दिया, तो उस काम के लिए प्रायश्चित करना। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अटोन फॉर लगाएंगे। यहाँ पर जो अटोन है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह टेंस के अनुसार लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर यदि वर्ब है तो वर्ब की एंजी फॉर्म लगाएंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, तुम्हें अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड अटोन फॉर योर मिस्टेक्स, यू शुड अटोन फॉर योर मिस्टेक्स। अगला एग्जांपल, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू अटोन फॉर माई सिंस, आई वॉन्ट टू अटोन फॉर माई सिंस। अगला एग्जांपल, क्या आपने वहाँ जाने का प्रायश्चित किया, यानी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था फिर भी आप वहाँ चले गए, तो क्या आपने वहाँ जाने के लिए प्रायश्चित किया, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू अटोन फॉर गोइंग देयर। जाना एक वर्ब है इसलिए इसकी एंजी फॉर्म का यूज किया गया है, डिड यू अटोन फॉर गोइंग देयर। और मैं क्या करता, और वो क्या खाता, और मैं किसे बताता, और मैं क्या पढ़ाता। इट मीन्स जब हमें कहना होता है कि मैं इसके अलावा और क्या करता, तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है, सबसे पहले आप सेंटेंस के अनुसार WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद else could लगाएंगे,
और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु आदि। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह शक्य अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल, और मैं क्या करता, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट एल्स कुड आई डू। यहाँ पर क्या आया है, इसलिए WH फैमिली वर्ड व्हाट का यूज किया गया है, व्हाट एल्स कुड आई डू। अगला एग्जांपल, और वो क्या खाता, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट एल्स कुड ही ईट, व्हाट एल्स कुड ही ईट। अगला एग्जांपल, और हम कहाँ जाते, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर एल्स कुड वी गो, वेयर एल्स कुड वी गो। तुम बहुत देर लगा रहे हो, उसने बहुत देर लगा दी। मुझे पता है तुम बहुत देर लगाओगे, तो जिन सेंटेंस में हमें बोलना होता है बहुत देर लगाना या ज़्यादा देर लगाना, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है टेक टू लॉन्ग। इसका मतलब होता है बहुत देर लगाना या ज़्यादा देर लगाना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद टेक टू लॉन्ग लिखेंगे। यहाँ पर जो टेक है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह टेंस के अनुसार बदल जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर कोई अदर वर्ड्स बचते हैं तो उन्हें लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, तुम बहुत देर लगा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। अगला एग्जांपल, आज तुमने बहुत देर लगा दी, तो इसकी इंग्लिश होगी यू टुक टू लॉन्ग टू डे, यू टुक टू लॉन्ग टू डे। अगला एग्जांपल, उसने बहुत देर लगा दी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टुक टू लॉन्ग, ही टुक टू लॉन्ग। अगला एग्जांपल, ज़्यादा देर मत लगाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट टेक टू लॉन्ग, डोंट टेक टू लॉन्ग। आपको भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस यूज बोलने पड़ते होंगे जैसे दवाई खाते ही सो जाना, फ्री होते ही मुझे बता देना, उसके आते ही तुम चले जाना। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज सून एज। अब इससे सेंटेंस बनाने का रूल देखते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर एज सून एज लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, यह जो वर्ब है यह टेंस के अनुसार लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सून एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सून एज यू टेक मेडिसिन। अगला एग्जांपल, डू लेट मी नो एज सून एज यू गेट मनी, डू लेट मी नो एज सून एज यू गेट मनी। अगला एग्जांपल, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, तो इसकी इंग्लिश होगी डू कॉल मी एज सून एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। ऐसे